चला। ये देखो, ये देखो, इनको गाड़ी पूरी तरह से चलाने आता है, लेकिन देखो फिर भी गाड़ी बंद हो रही है। गाड़ी बंद होने का मेन मतलब है क्लच कंट्रोल बराबर नहीं है, क्लच बराबर नहीं छोड़ रहे हैं। जो लोग ये देख रहे हैं, देखो पहले क्लच, अभी बढ़ाओ आगे आप, हाँ चलाओ, हाँ चलाओ, हाँ घुमाओ इधर, रुकाओ, हाँ हाँ फिर से चलो चलाओ चलाओ, घुमा के लाओ, घुमा के लाओ। इतना लंबा टर्न इसके बीच में से जाना चाहिए था। चलो ठीक है, आने दो, धीरे धीरे यहाँ से घुमा लो, चलो वहीं से घुमा के आओ, घुमा के आओ, उसके बाद इसमें आओ, यहाँ से घुमाओ नज़दीक से। अब राइट में, ये साइड घुमाओ, राइट में, राइट में चलो रोड पे, आज तक राइट में जाना है, दाहिने बंद हो गई। क्यों बंद हुई? ब्रेक लिए, क्लच नहीं लिए। चलो ठीक है, स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। राइट का इंडिकेटर दिखा है, यहाँ आने के बाद यहाँ ठीक है, रुक, अब राइट में घुमाओ, जाओ राइट में, राइट में जाके खंभे के पास जाके घुमा के लेके आओ, यू टर्न करके आहिस्ता, खंभे के पास जाके घुमा के लेके आओ, हाँ वहाँ स्लो करो, स्पीड ब्रेकर है, खंभे के पास से घुमाओ, वहाँ से यू टर्न करो, आगे बाइक वाला आ रहा है, अपने साइड में आ जाओ, अपना अपने लेफ्ट में, लेफ्ट कौन साइड है, अपने साइड में रहो, वो राइट में है, उल्टा है, ये साइड लेफ्ट है, ये साइड में आओ, ये साइड से आओ, आओ आराम से, अब राइट में घुमा के लेके चलो, धीरे से धीरे से, टर्निंग पे, टर्निंग पे रुको, टर्निंग पे बाइक को स्पीड में नहीं घुमाना चाहिए, कभी भी टर्निंग में हाफ क्लच, हल्का सा ब्रेक लेके स्लोली टर्निंग लेना चाहिए। अभी तुम टर्न ले रहे हो, यहाँ से अगर कोई है रास्ते में, बच्चे लोग खड़े हैं, बच्चे आ गए, तब ये बाइक है, बाइक को घर तक, घर से बाइक चलती है और घर तक आती है, चाहे वो गली में घर हो, चाहे कैसा भी हो, घर तक आती है, ठीक है ना। तो टर्निंग पे क्या करना चाहिए, स्लो, एकदम कम स्लो नहीं, घुमाना है तो घुमाने में मतलब एकदम सीधा स्टेयरिंग जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि तुम इधर घुमा रहे हो, लंबा टर्न ले रहे हो, गाड़ी एकदम, बाइक तुम्हारी मर्जी से चलनी चाहिए, तब ठीक है। चलो एक राउंड और मार के आओ, और पेड़ के वो साइड से घुमा के लाओ, आराम से आराम, घुमाने के टाइम में एक्सीलेटर छोड़ना चाहिए, हाफ क्लच और एक्सीलेटर कम करना चाहिए, इसके अंदर से आना था तुमको, वहाँ चले गए, अब रुकाना है, रुकाओ, हाँ अब देखो क्लच दबा के रुका रहे हो तो नहीं बंद हो रही है ना, क्लच दबा के रुकाओगे तो नहीं बंद होगी, ठीक है, बंद कर दो। देखो स्टार्ट किए, जो पहला गियर डालें, अब जब बंद होती है, बंद क्यों होती है, उसके लिए ये देखो क्लच इतना छोड़े, अब देखो इसका जो इंजन का आवाज़ है, ये देखो क्लच खींचे हैं तो आवाज़ अलग आ रहा है, साउंड सुनो, उसको साउंड, इंजन के साउंड पे ध्यान दो। अब देखो जब क्लच, ये देखो साउंड बदली हुआ, ऐसे साउंड बदली हो रहा है ना, तो इतने साउंड पे आ गया, देखो क्लच इतना ढीला किया हूँ, हल्का सा एक्सीलेटर दिया हूँ, ठीक है। अब एक्सीलेटर अगर न दे के सिर्फ क्लच छोड़ दूंगा इससे ज़्यादा, तो गाड़ी ये देखो ऐसे बंद हो जाएगी, ठीक है, समझ गए ना, यही प्रॉब्लम से बंद हो रही है। अब देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, अब क्लच छोड़ रहा हूँ, जब इंजन का देखो साउंड चेंज हुआ,
तो यहाँ पे हल्का सा एक्सीलेटर देखो ऐसा पकड़ना चाहिए, एक्सीलेटर पकड़ना चाहिए। अब गाड़ी चलने के लिए एकदम तैयार है, एकदम रेडी है, देखो एकदम रेडी है, चल रही है ना, एकदम रेडी है, देखो चल रही है। देखो मैं पैर नीचे नहीं कर रहा हूँ और बाइक चल रही है, इतना स्लो चल रही है, देखो देखो इतना स्लो चल रही है, पैर नीचे नहीं कर रहा हूँ लेकिन बंद नहीं हो रही है, सिर्फ एक क्लच के ऊपर है। आ जाओ, समझ में आया? जब रुकाते थे पूरा क्लच दबा लिए, देखो तो नहीं बंद हुई, और जब क्लच तुम जल्दी छोड़ देते थे एक्सीलेटर नहीं देते थे। ये साउंड साउंड सुनो, साउंड के हिसाब से हल्का से एक्सीलेटर बढ़ा दो और अब नहीं बंद होगी, देखो बंद नहीं होगी, बिल्कुल नहीं बंद होगी, समझ गए ना? क्यों बंद हो रही थी? क्लच का जजमेंट बराबर नहीं है, क्लच का देख लो, जब ये साउंड इंजन का साउंड देखो चेंज होता है, इतना क्लच छोड़ने पे इंजन का साउंड चेंज हुआ। अब ये साउंड में बाइक पूरी तरह से चलने के लिए रेडी है, अब जरा सा भी क्लच को लूज करोगे एक्सीलेटर दोगे तो बाइक आगे बढ़ जाएगी, समझिए, देखो बढ़ गई इस तरह से, ठीक है।